मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में एरोसिम्बा सुअर फार्म में अफ्रीकी स्वाइन बुखार फैलने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ माओवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में 24 पुलिसकर्मियों को 10 साल की जेल। इजराइल हमास युद्ध, नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन अजय जारी। 235 भारतीयों को लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए 11 अक्टूबर को ऑपरेशन अजय शुरू किया। सिक्किम, बाढ़ के कारण करीब 85,000 लोग प्रभावित। मंगन के डीसी ने बताया 4,353 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तेलंगाना, संगारेड्डी के औद्योगिक क्षेत्र में निजी प्रयोगशाला में विस्फोट, कई लोगों के घायल होने की सूचना। तेलंगाना नौकरी आकांक्षी ने जीवन समाप्त कर लिया। कांग्रेस, भाजपा ने भर्ती परीक्षा आयोजित करने में विफल होने के लिए बीआरएस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तमिलनाडु, भारत श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस शुरू। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कही ये बात। ब्लड कैंसर के मरीजों को मिलेगा अत्याधुनिक उपचार। भारत की पहली CAR-T थेरेपी को मिली मंजूरी। झारखंड भूमि घोटाला, हाई कोर्ट ने ईडी समन को चुनौती देने वाली सीएम सोरेन की याचिका खारिज कर दी। ओडिशा, लाओस में फंसे ओडिशा के 35 मजदूर, सीएम पटनायक ने अधिकारियों को दिए सुरक्षित वापस लाने के निर्देश। असेंबली इलेक्शन, भाजपा चुनावों को गंभीरता से लेती है। मंत्रियों सांसदों को टिकट देने पर बोले अनुराग ठाकुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस 15 अक्टूबर को 130 उम्मीदवारों की सूची का अनावरण करने वाली है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में CBI की छापेमारी, गैंगटॉक समेत 50 इलाकों में रेड जारी। केरल के कन्नूर में दुर्घटना के बाद ऑटो रिक्शा में लगी आग, दो लोग जिंदा जले।